हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सिनेमैटिक ओपनिंग कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। और सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे वीडियोस के अंदर एक टाइमर यानी कि स्टॉप वॉच को ऐड कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, जैसा कि इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फिल्मोरा को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर ओपन करने के बाद फिल्मोरा को मैंने जो है वो सैम्पल वीडियो कोई भी जो है वो पिक कर लेनी है। मैं इस टाइम ये वाली वीडियो को पिक कर लेता हूँ, और देन हमारे पास यहाँ पर जो है ये वीडियो आ चुकी है। आपने इसी तरह ही जो है वो अपनी कोई भी वीडियो जो है वो इसमें इम्पोर्ट करनी है, और उसके बाद आपने 5 to 10 सेकेंड्स तक जो है वो इसको आगे ले जाकर ट्रिम कर देना है। जैसे ही आप ट्रिम करेंगे तो आपने फर्स्ट वाली जो वीडियो आपकी होगी, फर्स्ट हाफ जो आपकी वीडियो होगी, आपने क्रॉप में जाना है, और क्रॉप में जाने के बाद आपने इसको कस्टम करने के बाद पैन एंड जूम में चले जाना है। जब आप पैन एंड जूम में जाएंगे तो आपने यहाँ पर इसको जो है वो बिल्कुल ऊपर तक ले जाना है, और देन आपने इसको सेंटर में एडजस्ट करना है, और साइड्स को आपने बिल्कुल इसकी साइड्स पर ले जाना है। जैसे ही आप इनको साइड्स पर ले जाएंगे, आपने यहाँ पर कॉर्नर में राइट साइड पर एक बटन आपको रिवर्स का मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, और अब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ये बन चुका है और एंडिंग पॉइंट ये बनेगा। सो आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमें एक सिनेमैटिक ओपनिंग मिलने वाली है। सो अगर आप ज़्यादा टाइम जो है वो इसको देंगे तो ये ज़्यादा जो है वो आगे तक जाएगी। इस टाइम मैं कंट्रोल प्रेस करके जो है वो इसको ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ आगे की तरफ, तो ये स्लो मोशन में जो है वो ओपनिंग होगी। अब सेकंड नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अभी भी जो है वो वीडियो नज़र आ रही है। तो इसका हल ये है कि हम लोग इससे पहले जो है एक ब्लैक कलर का एक सादा इमेज जो है वो लगा सकते हैं। सो मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ और इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, और अब मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ फर्स्ट टाइमलाइन। सो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक होके जो है वो ओपन हुआ है, और इस तरह आप लोग जो है वो किसी भी चीज़ की सिनेमैटिक ओपनिंग कर सकते हैं इजीली। दोस्तों, नंबर टू पर जो हम लोगों ने बात डिस्कस करनी है वो है स्टॉप वॉच को हम लोग किस तरह से अपनी यूट्यूब की वीडियोस में लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपने गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है टाइमर। आप जब यहाँ पर टाइमर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे पहली वेबसाइट जो नज़र आएगी timeanddate.com की, आपने इस पर चले जाना है। आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शन मिलेगी ऑनलाइन स्टॉप वॉच की, ऑनलाइन टाइमर के साथ, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉप वॉच जो है वो शो होगी, आपने जस्ट फिल्मोरा में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड की ऑप्शन आ रही है, रिकॉर्ड अ वीडियो, आपने यहाँ पर रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने जस्ट इसको फुल स्क्रीन से कन्वर्ट करने के बाद कस्टम कर देना है। कस्टम में आपके पास जो है वो ये ब्रैकेट आ जाएगा, आपने इसको जो है वो एडजस्ट करके इसके इक्वल कर देना है, और जैसे ही आप लोग इसके इक्वल इसको कर देंगे, आपने जस्ट रिकॉर्ड का प्ले बटन प्रेस कर देना है, और अब जो है ये 3 सेकेंड का टाइम लेगा, और उसके बाद जो है ये स्टार्ट कर देगा। आपने इसको यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करना है और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं जो है वो इसको 30 सेकेंड तक जो है रिकॉर्ड करूँगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है फिल्मोरा में चली जाएगी। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये फाइल जो है वो 30 सेकंड की बन चुकी है। मैं रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से स्टॉप करने वाला हूँ, और ये स्टॉप होने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब ये जो फाइल है ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने जो है पहले यहाँ पर अपनी वीडियो रखनी है, और वीडियो रखने के बाद हमने यहाँ पर वो फाइल लेकर आनी है ऊपर वाली लेयर में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो अभी तक हमें अवेलेबल नहीं हुई। हमने जस्ट कंपोजिटिंग में जाना है और हमने इसको डार्कन कर देना है। अब हम जब डार्कन करेंगे तो ऑलरेडी ये जो वाइट कलर है ये रिमूव हो चुका है हमारे पास, तो हमने जस्ट इसको एडजस्ट करना है। और जब हम इसको अब प्ले करेंगे, सो अब आप लोग देख सकेंगे कि प्ले होने के बाद कुछ हमें इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इस टाइम ये रेंडर नहीं है, तो मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। सो दोस्तों, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरह की होगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टाटा।